जिला कांग्रेस ऊना जिला मुख्यालय पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राइफल सौदा मामले पर हमला बोला। कांग्रेस के रोष प्रदर्शन में विधायक सतपाल रायजादा, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक राकेश कालिया और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धर्मानी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विश्राम गृह से लेकर मिनी सचिवालय तक रोष रैली निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुराना बस अड्डा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका, लेकिन पुतले को आग के हवाले करते ही आग की लपटों ने कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष विवेक शर्मा और दो कार्यकर्ताओं को अपनी चपेट में ले लिया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने समय रहते आग को बुझाया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने ऊना राकेश कुमार प्रजापति के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस ने राफेल खरीद मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग भी उठाई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंदर धर्माणी ने कहा कि जिस राइफल विमान को यूपीए की सरकार के समय में 600 करोड़ में खरीदा जा रहा था, आज उसी विमान को 1600 करोड़ में खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मात्र 4 साल में ही एक विमान पर 1000 करोड़ रुपए बढ़ाना घोटाले की ओर संकेत करता है। धर्माणी ने कहा कि जब कांग्रेस के लोग इस मामले पर जवाब मांगते हैं तो केंद्र सरकार जवाब देने की बजाय उन्हें आंतरिक सुरक्षा का मामला करार दे रही है। हिंदुस्तान में जो पार्टी अपनी सरकार जिसकी बनी बीजेपी की, वो ये कह के सत्ता में आए थे कि हम करप्शन को मिटाएंगे, जीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन यूपीए सरकार के टाइम में जो 600 करोड़ रुपए का जो राफेल जहाज था, लड़ाकू विमान था, जो सौदा हुआ था, जिसको यूपीए सरकार ने तब उस वक्त छोड़ दिया था इसलिए कि उंगलियां उठ रही थी कि ये शायद महंगा है, वो आज 1600 करोड़ रुपए में हुआ है। 1000 करोड़ एक जहाज पे ज्यादा दिया गया है। और जब हम कांग्रेस ने ये बात पूछी हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कि ये इतना पैसा क्यों दिया गया, तो वो कह रहे हैं ये तो जी सॉवरेंटी का सवाल है, ये तो सीक्रेट बात है। वहीं प्रदेश भर में हो रहे कांग्रेस के रोष प्रदर्शन पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने कहा कि यूपीए सरकार के समय रहे रक्षा मंत्री ने भी फ्रांस के साथ राइफल से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक न करने का समझौता किया था। राम कुमार ने कहा कि राइफल पर हमला करने वाली कांग्रेस ने पहले इटली के बोफोर्स घोटाला किया, अब हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इटली से सेब के पौधे मंगवाने में बड़ा घोटाला सामने आया है। राम कुमार ने कहा कि कांग्रेस इटली से सेब के पौधों में हुए घोटाले का अपना जवाब दे। तेल का जो विषय है, देश की सुरक्षा से जुड़ा ये विषय है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी जी ने जब फ्रांस की सरकार के साथ समझौता किया था, हम सबको मालूम है, देश की पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा हुई है, तो पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री ने खुद ही ये फ्रांस की सरकार के साथ समझौता किया है कि इसके बारे में जो भी कुछ गोपनीय बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद देश की जनता, पूरा सब देश, पूरे भारत के लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी वो कार्यक्रम ले रहे हैं, जिस प्रकार की भी वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो देश हित में होगी। पहले इटली के आए लोगों ने बोफोर्स घोटाला किया, आज इटली से ही अब सेब के पौधे ला रहे थे और 100 करोड़ की कंसल्टेंसी दे रहे थे, ये अपने एक बड़ा घोटाला है। आज प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा की है, इसके ऊपर हम जांच करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस को ये जो सेब के पौधों में घोटाला किया है, कंसल्टेंसी के ऊपर 100 करोड़ का, इसका जवाब पहले देना चाहिए